विशाल यहाँ ड्राइंग बना रही है। वानिया नादिया चली गई हैं, बोर हो रही थी तो आजकल बस ड्राइंग पे ड्राइंग बन रही है। फ्री के कलर्स मिल रहे हैं इनको, तो दिखाओ क्या बनाया है विशाल आपने। सीधा करके दिखाओ। वाह, पहाड़ों में कलर कर रही हो, पहाड़ बना रही हो। और ये क्या घास बनाई है। वाह, और बहुत समझ प्यारी में आया। पेंटिंग की है। अभी अभी हम भेजेंगे यैया को, ठीक है। चलो आप काम करो, मैं ऊपर से डस्टिंग करके आती हूँ। उतनी देर पूरे कलर मत खराब कर देना। जी जनाब, फाइनली वी हैव डन दिस पेंटिंग। कैसी बनी है? कुछ विशाल के साथ थोड़ी सी हेल्प मैंने भी करवा दी ट्रीज वगैरह बनाने में। मज़ा आया पेंटिंग करके। कैसी लग रही है आप लोग बताएंगे। यहाँ पापा ने सारी सेटिंग चेंज कर दी है मेरी। अपने बड़े बड़े जो फूल हैं सब, वो अपने फ्लावर्स मोतिया गुलाब स्टार्टिंग में लगा दिए हैं, बाकी सब पीछे चले गए हैं। और मुझे चाइना प्लांट इतना पसंद था, वो सबसे आखिर में रख दिया पापा ने। क्यों? क्योंकि उसके नोके चुभती हैं, तो पापा कह रहे हैं इसको सबसे आखिर में रख दो, ये जल्दी बड़ा हो जाता है। सारे प्लांट्स मेरे आज सुबह ये चेंजिंग की गई है जनाब। आज मैं सारी सफाई खोल के बैठ गई, मासियों की सफाई मैं करती हूँ। सारी मैंने चीज़ें हटा कर नीचे से एक एक चीज़ झाड़ू लगाया है। ये देखो ज़रा, ये इतना कचरा यहाँ से भी नहीं निकालती हैं ये लोग ना, सोफ़ों के नीचे से। सारे सोफ़े भी मैंने आगे किए और सोने पे सुहागा। मासी नहीं आई है आज। ये देखो, यहाँ का कचरा मैंने यहाँ जमा करा सारा, इधर से निकाल कर बेडों के नीचे से निकाल कर। देखो सारा इसके बेड सोफ़ों के नीचे से निकाल के, बेडों के नीचे से निकाल कर सारा कचरा देखो मैंने यहाँ जमा करा। कि आएगी तो मैं इसको दिखाऊंगी कि ये इतना कचरा देखो जो है वो निकला है। ये रोज़ झाड़ू लगाती है, चालू काम, ठीक है। और इधर का सारा कचरा जो है मैंने जमा करा इस कोने पर, वो मैडम अभी तक नहीं आई है। 4 बज चुके हैं। ये देखो, ये रोज़ झाड़ू निकलता है हमारे घर में, और ये रोज़ का कचरा ये मैंने निकाला आज। फ़ायदा क्या है मुझे मासियाँ रखने का, मुझे ये बता दो पहले। ये लो, ये सारा यहाँ का बेड का इधर का कोने का कचरा मैंने इधर जमा किया है। सारी सफाई मैंने कर ली है और उनका इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि वो आएंगी। ये देखो, ये बेडों के नीचे से मैंने कचरा निकाला है। ये सारा पूरा बेड मैंने खाली किया है। ये देखो नीचे से अब कितना साफ़ हो रहा है, देखो ज़रा। और इन्होंने ये बेड के नीचे से भी कचरा नहीं निकालती हैं। ये देखो, ये सारा कचरा मैंने बेडों के नीचे से निकाल निकाल के ही जमा किया है। ये कैसे काम होते हैं यार। और अभी तक 4-5 होने लगे हैं, अभी तक नहीं आई। और थोड़ी सी बनाऊंगी यहाँ चिकन बाइट्स, वो भी बना कर रख दी थी, तो वो भी मैं फ्राई करके बच्चों को देने लगी हूँ। क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं, शाम हल्की हल्की भूख में हल्का फुल्का स्नैक दे दे मम्मा, तो इसलिए मुझे ये बनाना पड़ता है। यहाँ हम बनाने लगे हैं फ्राइज़। और शाम कह रहा था वो कटर से काट के जो बनते हैं ना, वो फ्राइज़ बना दें। ऐसे काटे मैंने, सब कटिंग कर लिए हैं, बस तेल गरम हो जाए फिर मैं उनको फ्राइज़ बना कर देती हूँ। और थोड़ी सी मैंने चिकन को क्रश कर लिया है। ऑलमोस्ट डन, फ्राइज बनाती हूँ। चले गए फ्राइज भी, बस पक गए हैं। चाय रख दूँ मैं बस अब। ये देखिए मेरे फ्राइज और चिकन बाइट्स, यमी यमी चिकन बाइट्स। यहाँ इशार स्कूल का काम कर रही थी, छुट्टियों का पेपर्स देकर आई हैं शीट। और मम्मा, हाँ इतने अच्छे बनाया, आप बड़े होंगे ना जब मेरे को सिखाया। या चिकन बाइट और फ्राइज अच्छा सिखा दूंगी। आप होटल में जाके काम करो, ये बनाओ, इतने पैसे मिलेंगे आपको। लो जी, अब होटल वाली शेफ बन जाऊँ मैं, इतने अच्छे लग गए। चलो ये बना दिया करूँगी मैं आपको, ठीक है, आप इंजॉय करो, ठीक है। लेकिन खाना भी खाना है, चाइनीज चाइनीज चावल बना रही हूँ खाने। ऐसा ना खाना ना खाए कोई भी, मैं पहले ही बता रही हूँ। और उर्दू का काम भी करना है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखें जनाब, ये फ्रिज का डोर खराब हो गया था,
उसकी गैसकेट जो है वो चेंज होने गई है, तो दरवाजे ही लेके उतार कर इसको मैंने, इसके पार्ट्स जो है वो धो दिए हैं, वॉश कर दिए हैं। सामान सारा बाहर पड़ा है, मैसी हो गया है किचन सारा। और यहाँ मैं जाहिर है बच्चों के लिए बनाकर रखी थी चिकन बाइट्स, तो मैंने कहा चलो अब सभी फ्राई कर दूँ उनकी ऐश वजह। तुम मज़े कर लो, शुक्र है मेहमान ना खा लें, तुम खा लें। और अभी मैंने चिकन का सालन भी बनाना है। चलो भाई यहाँ बन गए चिकन बाइट्स। मेरा कहाँ गया, मैंने आधा खाया था मेरा। मज़े के अपने व्यूअर्स को भी तो खिला लें साथ। कैसा है यार? कुछ कुछ कर रहा है। दांत तो मार लो, दांत तो तुम्हारे अपने हैं। नहीं नहीं वो गरम है। मैं देख लो फिर भी खा रही हूँ। मैंने आज दांत की फिलिंग कराई है, दांत में खोड़ हो गया था। उर्दू में क्या बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोल रहे। तो फिर मैंने उसकी फिलिंग कराई है और खा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हम खा रहे हैं, वो बेचारा बैठ के घूर रहा है खाली। मैं भी सुना क्या हुआ, भूख लग गई तुम्हें? अभी हम पेट पूजा कर लें फिर तुम्हारी पेट पूजा करते हैं। चौकीदारी हो रही है गाँव की। भाई गई सुबह सुबह आई है, पूरी रात लगा के सुबह सुबह आई है। कितने बजे? अभी 6 भी नहीं बजे ना। सोए नहीं हम पूरी रात, पापा लोगों का इंतज़ार करते रहे और ये अभी फाइनली डिसाइड होकर आए हैं। प्यारी है ना माशाल्लाह से, दोनों माँ बच्चे। और दोनों को कैद इसलिए करना पड़ा क्योंकि गाँव आई है और नीचे का दरवाज़ा हमारा खुला है, तो ये बाहर ना निकल जाए। शहजादे मेरे दोनों, एक की तो सारी माशाल्लाह से गुड्डा शहजादा लग रहा है। उसको देखो लेटा हुआ है, उनको पता चल गया मम्मा अब इधर ही आ रही है, इसलिए सुकून आ गया। गाँव की आवाज भगत हो रही है। पापा है बस पाओ की खातिर मदारत में लगे पड़े हैं। धूप देखे सुबह 6 बजे से ये टाइम हो गया। तो यहाँ मेरी बिल्लियाँ भी आवाज़ें दे रही हैं। मामा की जान इधलू में कहाँ से आवाजें दे ली हूँ म्यों म्यों कल के, कौन आवाजें दे रहा है मुझे, क्यों आवाजें दे रही हो? ये रहा एक, दूसरा नहीं नजर आ रहा, दूसरा वो बैठा। अब आवाज दो मुझे मामा, 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 मामा। अब आवाज दो, अकेले नहीं रहना चाहता। दूसरा किधर है? दूसरा नजर नहीं आ रहा। वो रहा ना सामने बैठा। हाँ अरे ये रहा मामा, ये वो बैठे छोड़ो, नजर नहीं आ रहा हूँ। दूसरों से दिखाती हूँ, ये काव की वजह से मुझे उनको बंद करना पड़ा क्योंकि नीचे का डोर जो है वो खुला है। काव खा रही है चारा, इसके बाद इसको
खिला पिला के टहला के फिर अंदर बंद कर दूँगी, फिर मैं अपनी माँ को खोलूँगी। भाई इधर मेरा बाबू सोना नहीं रह सका, आ चुका है बाहर और सोने के लिए मेरा शहजादा। मम्मा के बगैर नहीं रहना था गंदे, सो जाओ, चलो सो जाओ। आपको काऊ दिखाओ, नीचे काऊ आई है, दिखाओ काऊ, देखोगे हाय गुड्डा, मम्मा का गुड्डा शहजादा पाला शाह। बाबू सोनो, बाबू सोनो गुड्डा, तो सो जाओ सो जाओ, अब दोपहर को उठना। काव को नहलाया जा रहा है, काव नहा नहीं रही। यहाँ मैंने नाश्ता जो है ना ये मास के लिए बनाया था और पापा के लिए, तो बनाई मैंने अभी अभी, रात से हम जाग रहे हैं मैंने, और मुझे भूख भी लग गई थी, मगर ये दोनों चले गए हैं अब सोने। पहले काव का चारा लेने गए, उसके लिए गले में डालने के लिए क्या है मार सिंगार उनका वो लेने गए, अब दोनों नाश्ता भी नहीं करके है और जाकर सो गए, और अब हम अकेले नाश्ता करने लगे हैं। आज फर्स्ट टाइम मैं इतनी मॉर्निंग में नाश्ता करूँ। हाँ मैं और ऐशाल जो हैं वो हम दोनों करने लगे हैं नाश्ता, और शाम भी उठ गया है, शाम का है पेपर, शाम का प्रैक्टिकल है, शाम भी उठा हुआ है, 12 बजे प्रैक्टिकल पर जाएगा वो पूरी रात मंडी में घूम घूम कर आए हैं। अच्छा खड़ा हुआ है, मेरा पारी शिकाओ, मेरी पारी शिकाओ। बाबू लेट क्यों नहीं रहे हो तुम, सो क्यों नहीं रहे हो, सो जाओ सो जाओ। नींद नहीं आ रही, क्या बात है, क्या बात है, बहुत हसीन बनाया है मम्मी ने आपको, इतनी प्यारी प्यारी आपकी आई से प्यारी प्यारी, इधर आओ मेरे पास, नहीं गिर जाओगी सर, चलो लेट जाओ, लेट क्यों नहीं रहे हो हैं, लेट जाओ, देखो जाओ जाके चारा वारा खाओ, चीज़ें खाओ जो तुम्हारी चीज़ें पड़ी हैं, जाओ जाके खाओ, उधर सो। इसका नाम रखेंगे विशाल भाई, ठीक है। अब हम भी सोने जा रहे हैं, हमने नाश्ता कर लिया है, इसमें रस्सी बांधते हैं ना ये पकड़ने के लिए। पापा साहब जो है वो जॉब पर जा रहे हैं, और काओ हमारी जो है वो ये बैठी हुई है नीचे, काओ को चारा वारा डाला है, ख्याल रखें, अभी नहीं शाम को जाना, नहीं नहीं अभी जाते, अभी नहीं, अभी पापा जा रहे हैं ना काम, अभी वो बैठी हुई है ना, वो खड़ी हो जाएगी। और आज तो पूरा दिन हो गया जागते जागते ही समझो, हाँ रात को मैं शाम हो गई है भाई, काव जो बैठी हुई है, अब बच्चे ध्यान रख रहे हैं उसका, दादी भी ध्यान रख रही है काव का।